हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2019 के टारगेट रख के, जो आपके पिछली परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन, जो आपके जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और ये आपका पार्ट थर्ड है। तो आप प्लीज़ हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। और जो भी आपको सुझाव देना, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हॉकी है, ना कि क्रिकेट है। कितने लोगों को पता होगा कि क्रिकेट है, बट क्रिकेट नहीं है, आपका हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो डिटेल्स आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते हैं। और भारत में यह खेल जो है सबसे पहले कलकत्ता में खेला गया था, तथा वहीं पर सर्वप्रथम भारत टीम का गठन हुआ। और 26 मई 1928 में भारतीय हॉकी टीम प्रथम बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित हुई और विजय भी प्राप्त की। तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि भारत का पहला हॉकी खेल जो है कहां पर खेला गया, कलकत्ता में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया और इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया का जो कीटाणु होता है इनमें कोई भी ऑप्शन से, यानी ना फफूंद होता है, ना ही वायरस होता है, ना ही बैक्टीरिया होता है। तो क्या होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन तीनों में से कोई नहीं। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो होता क्या है, तो मलेरिया का कीटाणु जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा होता है। क्या होता है, प्रोटोजोवा होता है। और किसका नाम, क्या नाम है उसका, कीटाणु का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका नाम है, परजीवी प्रोटोजोवा होता है। और मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शुरू होता है, जो इस परजीवी के शरीर में छोड़ता है। और यह रोग जो है भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें सब सहारा, अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देश शामिल हैं। ये इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिल्का झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, बिहार। तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं, तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है और नाशपाती के आकार वाली यह अनूप झील ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। और सर्दियों के मौसम में यह जो है बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। तो ये है इस क्वेश्चन का डिटेल्स, चिल्का झील ओडिशा राज्य में समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है नरगिस दत्त, मदर टेरेसा, मायावती और ममता बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, मदर टेरेसा को सबसे पहले जो है भारतीय महिला हैं और इन्हें जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। अब इनकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 स्काब्जे यानी कि अब मेसोडोनिया हुआ था और उनका असली नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी और उन्होंने, यानी महंत थी, और उन्होंने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिसमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी। और 1948 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की और 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मानव कल्याण कार्य के लिए और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया और 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को मरणोपरांत संत की उपाधि से विभूषित भी किया। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, भारत, जर्मनी। और तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पहला अल्बानिया में हुआ था इनका जन्म। अभी हमने इसका डिटेल्स देखा तो कहाँ पे इस कब्जे अब मेसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, यानी कि अब जो है ये अल्बानिया में है। अल्बानिया फर्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को एग्नेसिस गोंकसे बेजसियू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कुब उस्मान साम्राज्य, वर्तमान में जो है सोपजे मेसिडोनिया गणराज्य में हुआ था। और इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और इस संस्था का उद्देश्य समाज से बेघर और बीमार लोगों की सहायता करना था। और दिल के दौरे के कारण इनका जो है 5 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। तो यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से क्या रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? निम्न में से क्या रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कॉस्मिक, रॉस कॉस्मोस, कॉस्मोस और रामसोस, रासमोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, रास कॉस्मोस जो है रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, रास कॉस्मोस। अब इसी के डिटेल्स की बात करते हैं तो डिटेल्स आपके सामने कि रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है रास कॉस्मोस है और एशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रूस का सरकारी अंतरिक्ष अभिकरण है जो कि रूस में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां संचालित करता है और इसे रास कॉस्मोस का मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। ठीक है, यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार धावक निम्न में से कौन से देश के हैं? अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार धावक हैं वो कौन से देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, नाइजीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब कौन है अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार धावक? दक्षिण अफ्रीका का है और दक्षिण अफ्रीका के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्लेड रनर नाम से मशहूर पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को उसकी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीन कैंप की हत्या के आरोप में सितंबर 2014 में प्रिटोरिया हाईकोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि अपीलीय सर्वोच्च अदालत ने 2017 में इस सज़ा को बढ़ाकर 15 साल कर दिया और 6 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस जो है फरवरी 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड रीवा की हत्या का आरोप था। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के पिस्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है अलवर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, जयपुर में आमेर का किला है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है और इसे जो है कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह ने बनवाया था और इन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू कला के लिए प्रसिद्ध इस किले को मई 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये है आपका किला, मई 2013 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कठपुतली का जो लोक नृत्य है ये है राजस्थान का, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं तो कठपुतली राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और इसमें विभिन्न महान लोकनायकों तथा महाराणा प्रताप, राम देव जी, गोगा जी आदि की कथा अथवा अन्य विषय वस्तु को कठपुतलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और यह राजस्थान की अत्यंत लोकप्रिय लोक कला है, कठपुतली नृत्य।
राजस्थान की है, इतनी याद रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलवर में जो है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और सरिस्का को वर्ष 1955 में वन्य जीव अभयारण्य तथा वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक सरिस्का बाघ अभयारण्य अरावली की पहाड़ियों पर 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह है इस क्वेश्चन का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? ई, ए, बी और के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, के विटामिन जो है, विटामिन के खून का थक्का बनाने में जो है जिम्मेवार होता है। अब इसकी रिडल्स की बात करते हैं तो खून का थक्का बनाने में के विटामिन जिम्मेवार है और विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है जो मानव द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है और खून का थक्का को रोकने के सभी तत्व हमारे लीवर में बनते हैं और लीवर में खून को रोकने वाले तत्व बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स, खून के थक्के को रोकने के सभी तत्व हमारे लीवर में बनते हैं और लीवर में खून को रोकने वाले तत्व बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? गाजर, नींबू, आंवला, अंगूर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत है। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं और विटामिन ए जो है शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत क्या है? आवश्यक है। तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर